गाजा में फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने लाशें बिछा दी। हमास के दर्जनों आतंकियों ने गाजा से जमीन, समुद्र और हवाई रास्ते से इजराइल में घुसपैठ की और 5000 रॉकेट दागे। इन हमलों ने इजराइल को कभी न भूलने वाला दर्द दे दिया और दुनिया को युद्ध की आग में झोंक दिया। आखिर हमास फिलिस्तीन का सबसे बड़ा आतंकी संगठन कैसे बन गया, कैसे हमास इजराइल में आतंक फैला रहा है, चलिए आपको हमास के बारे में पूरी जानकारी दे देते हैं जो आपके मन में घूम रही है। हमास एक फिलिस्तीनी आतंकी समूह है जिसकी स्थापना 1987 में पहले फिलिस्तीनी इंतिफादा या विद्रोह के दौरान हुई थी। इसका मकसद फिलिस्तीन में इस्लामिक राज्य स्थापित करना है। इस विद्रोही समूह की स्थापना शेख अहमद यासीन ने की थी। 12 साल की उम्र से व्हीलचेयर पर रहने वाले अहमद यासीन ने साल 1987 में इजराइल के खिलाफ पहले इंतिफादा का ऐलान किया था। इंतिफादा का मतलब बगावत करना या विद्रोह करना होता है। इस फिलिस्तीनी चरमपंथी समूह को ईरान का समर्थन प्राप्त है। हमास की विचारधारा मुस्लिम ब्रदरहुड की इस्लामिक विचारधारा से मेल खाती है। इसकी स्थापना 1920 के दशक में मिस्र में की गई थी। हमास ने वेस्ट बैंक में सत्ता पर काबिज रहे फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी पीएलओ के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के वफादारों को एक गृह युद्ध में हराया था और साल 2007 से गाजा पट्टी पर शासन कर रहा है। अब यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है कि आखिर हमास और इजराइल के बीच संघर्ष क्यों और कब से शुरू हुआ। दरअसल हमास को हमेशा से ही इजराइल के खिलाफ भड़काने के लिए तैयार किया गया है। 1987 में फिलिस्तीन विद्रोह के बाद हमास को इजरायली कब्जे का मुकाबला करने के लिए एक मिशन के तौर पर स्थापित किया गया। मौजूदा समय में हमास गाजा पट्टी में 20 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनियों पर राज करता है। अब यहाँ एक और सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर गाजा पट्टी इतना अहम क्यों है। दरअसल गाजा पट्टी मिस्र और इजरायल के मध्य भूमध्य सागरी तट पर स्थित है। फिलिस्तीनी, अरबी और बहुसंख्यक मुस्लिम बहुल इलाका है। 21 लाख की आबादी वाला गाजा पट्टी दुनिया में सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र माना जाता है। यह 5 प्रशासनिक क्षेत्रों में बटा हुआ है जिसमें उत्तरी गाजा, गाजा सिटी, देर अल बलाह, खान यूनिस और राफा शामिल है। हमास गाजा पट्टी से ही इजराइल पर हमला करता है। इजराइल हमास को आतंकवादी संगठन मानता है। इस कारण गाजा और हमास को लेकर इजराइल हमेशा आक्रामक रहता है। 19वीं सदी में इजराइल वाली पूरी भूमि फिलिस्तीन के नाम से जानी जाती थी। यूरोप में बिखरे हुए यहूदी फिलिस्तीन की ओर पलायन करने लगे। धीरे धीरे इनकी संख्या फिलिस्तीन में अधिक होती गई और यहूदियों ने फिलिस्तीन में जमीन खरीदना शुरू कर दिया। यहूदियों का वर्चस्व फिलिस्तीन में बढ़ता है और उन्होंने वहां से फिलिस्तीनियों को भगाना शुरू कर दिया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 42 लाख यहूदियों को हिटलर ने गैस चेंबर में डालकर मार दिया। उसके बाद फिलिस्तीन से यहूदी भागने लगे। साल 2006 में आखिरी बार फिलिस्तीनी संसदीय चुनाव में जीत हासिल करने के बाद गाजा पर हमास का कब्जा हो गया। हमास ने राष्ट्रपति महमूद अब्बास पर उनके खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया और वही हमास के कब्जे को अब्बास ने तख्ता पलट करार दे दिया था। यह वही समय था जब से हमास और इजराइल के बीच संघर्ष का दौर शुरू हो गया, जिसके बाद अक्सर गाजा से इजराइल में हमास के रॉकेट हमले होते रहे। वही इजराइल भी हवाई हमले और बमबारी करता रहा। हमास इजराइल राज्य को मान्यता देने से इनकार करता रहा। चरमपंथी समूह हमास ने 1990 के दशक के मध्य में इजराइल और पीएलओ द्वारा बातचीत के बाद किए गए ओस्लो शांति समझौते का हिंसक विरोध किया था। हमास के पास एक सशस्त्र विंग है जिसका नाम है इज अल दीन अल कसम ब्रिगेड है। यह ब्रिगेड इजराइल में बंदूकधारी और आत्मघाती हमलावर भेजता रहा है। हमास के संस्थापक चार्टर में 1988 में इजराइल के विनाश का आह्वान किया था। हालांकि हमास के नेताओं ने कई बार 1967 के युद्ध में इजराइल के कब्जे वाले सभी फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर एक व्यवहार फिलिस्तीनी राज्य के बदले में इजराइल के साथ दीर्घकालिक संघर्ष विराम या अरबी में हुड़ना की पेशकश की थी। हालांकि इजराइल इसे एक चाल मानता है। हमास को सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि अमेरिका, यूरोपीय संघ, कनाडा, मिस्र और जापान भी आतंकवादी संगठन मानता है। लेकिन चीन, मिस्र, ईरान, नॉर्वे, कतर, ब्राजील, रूस, तुर्की और सीरिया इसे आतंकी संगठन नहीं मानते हैं। हमास उप क्षेत्रीय गठबंधन का हिस्सा है जिसमें ईरान, सीरिया और लेबनान में शिया इस्लामी समूह हिजबुल्ला शामिल है। यह संगठन मध्य पूर्व और इजराइल में अमेरिकी नीति का व्यापक रूप से विरोध करता है। हमास गाजा इलाके में काफी ताकतवर है। फिलिस्तीनी कब्जे वाले इलाकों में भी हमास के समर्थक बड़ी संख्या में है। हमास की तरफ से इसके खिलाफ कई हमले किए गए जिनमें कई इजराइलियों की मौत हुई। सन 1996 में जब बेंजामिन नेतन्याहू सत्ता में आए तो हमास और विद्रोही हो गया। वह ओस्लो समझौते के खिलाफ थे। सन 2006 में आतंकी समूह ने वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी विधान परिषद
के लिए लोकतांत्रिक चुनाव में आश्चर्यजनक जीत दर्ज की। दोनों पक्षों के बीच सबसे खतरनाक हिंसा सन 2014 में हुई। उसी दिन 50 दिनों की लड़ाई के दौरान 1462 नागरिक सहित कम से कम 2200 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए। इजराइल के 67 सैनिक और 6 नागरिक भी मारे गए थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।